أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. We are talking about future and forward, and let's have a complete picture of this. We call it derivatives. In September 2020, ABC company anticipate purchasing 1,000 metric tons of sugar in January 2021. यानी तीन महीने के बाद आपने 1,000 मैट्रिक टन शुगर ख़रीद ली है एबीसी ने. कंसर्न्ड दैट द प्राइस शुगर विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ऑब्वियसली बढ़ भी रही है आपके सामने. एबीसी कंपनी वांट्स टू हेज द रिस्क दैट इज माइट पे हायर प्राइस फॉर द इन्वेंटरी इन जनवरी 2021. अब वो अपने आप को सेव करना चाहता है, रिस्क मैनेज करना चाहता है. एज ए रिजल्ट एंटर इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल ऑप्शन. नाउ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द होल्डर द राइट एंड द ऑब्लिगेशन टू परचेज एन एसेट एट प्रेजेंट प्राइस फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको फ्यूचर में एक स्पेसिफाइड प्राइस पर डीलिंग करेगी या परचेज करेगी. इन दिस केस द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स गिव्स द राइट एंड ऑब्लिगेशन टू ए बी कंपनी टू परचेज 1,000 मैट्रिक टन ऑफ शुगर फॉर 4,000 पर टन. अब तय क्या हुआ है कि जी आपने 4,000 रुपी पर टन के हिसाब से आपने शुगर ख़रीदनी है और 1,000 मैट्रिक टन खरीद. The contract price in goods until contract expire is January 21 May. The underlying for this derivative is the price of sugar. If the price of sugar rises about 4,000 per metric ton, the value of the future contract over B company increases. The why? Because ABC will be able to buy sugar at a price of rupees 4,000 per metric ton. अगर ये इससे बढ़ जाती है तो आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि आप 4,000 रुपी पर मेट्रिक टन के हिसाब से ख़रीदेंगे. अगर वो बढ़ जाए 4,000 से तो आपको तो 4,000 में मिलेगी. ABC enter into the future contract on 1st September 2020. Assuming that the price of sugar to be paid today for inventory to be delivered in January, the spot price is equal to the contract price. वो आज की price में आपको मिलेगी, हालांकि आपने उसको future में खरीदना है. The spot price is equal to contract price. With the two price equal, the future contract has no value. आज तो चुके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आज की और जो फ्यूचर की वो सेम रहे तो फिर इसमें कोई वैल्यू नहीं है. देयर फॉर नो एंट्री इज नेसेसरी. एट 31 दिसंबर आपने जनवरी में ख़रीदना है तो 31 दिसंबर ईयर एंड हो गया. द प्राइस फॉर द जनवरी डिलीवरी ऑफ शुगर इंक्रीजेस टू 4,500. 4,000 में आपने ख़रीदना है, आपके हो गई है वो 4,500 पर मेट्रिक टन. सो द ए बी सी विल मेक द फॉलोइंग एंट्री. वो एंट्री क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स डेबिट करेगा और अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस क्रेडिट करेगा. अब ये फिगर कैसे बनी कि वो जो 4,500 और 4,000 का जो डिफरेंस है 500 का, आप 1,000 मैट्रिक टन को मल्टीप्लाई करें तो आपका ये 5,00,000 का आपको होल्डिंग गेन है. देखिए अभी आपका रियलाइज गेन नहीं है, ये इसीलिए लिखा हुआ है अनरियलाइज. यू आर अनरियलाइज गेन. AB will report the future contract in statement of financial position at 31st December 2020 as a current assets. In its report, it reports the unrealized gain or loss on future contract as a part of other comprehensive income. Note करें कि ये आपका अभी profit नहीं है. अगर profit हो तो फिर इसको हम income statement में दिखा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये अभी profit नहीं है तो इसलिए आप इसको इनकम स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते.
इसको हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में डालते हैं, वो इक्विटी का पार्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, अब 21st को परचेज करता है मेट्रिक टन शुगर फॉर 4,500 एंड मेक द एंट्री, इन्वेंट्री को डेबिट करेगा वो 4,500 से, कैश क्रेडिट करेगा 4,500 से, एट द सेम टाइम ए बी मेक ए फाइनल एंट्री ऑफ कैश डेबिट रिवर्स। देखिए ना, आपने तो 4,000 में ख़रीदना, लेकिन आपको खरीदनी पड़ी, खरीदी आपने 4,500 से, तो जो आपने 500 एक्स्ट्रा पे किया है वो आपको वापस हो जाएगा। आप नेट एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट किया हुआ है तो उसको भी तो कैंसिल करना है ना, तो उसका उसको कैसे कैंसिल करेंगे कि आप कैश को डेबिट करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्रेडिट कर देंगे, या आप एक एंट्री भी डाल सकते हैं, इसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन्वेंट्री को 4,500 से डेबिट करें और कैश क्रेडिट करें जो आपने एक्चुअली दिया देना है 4 मिलियन का क्रेडिट करें, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने डेबिट किया हुआ है ऊपर वो आप क्रेडिट कर दें। अब नेट शल में ये होगा कि वो जो आपको गेन है ना, होल्डिंग गेन और लॉस, वो आपका गेन हो जाएगा। क्यों? कि आपको 4,500 वाली 4,000 में वापस ख़रीदी आपने, तो ये जो आपका गेन है ये फिर अल्टीमेटली आपकी इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट डायरेक्टली तो नहीं जाता, ये बेसिकली रूट करता है रिटेन अर्निंग के साथ, क्योंकि ये एज इट इज़ नहीं रहेगा बैलेंस शीट में, बल्कि ये आपके रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। अल्टीमेटली वही हुआ कि करंट ईयर के प्रॉफिट में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आ जाएगा आपकी रिटेन अर्निंग में। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो गेन और लॉसेस हैं, कहीं पर तो इसको हम इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं, कहीं पर इसको हम OCI में ले जाते हैं। OCI मीन अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, तो उसमें हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। तो ये सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है एज सच के फ्यूचर में। लेकिन अगेन मैं रिपीट करूँगा इस बात को कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग दिस, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि प्राइस कम हो जाए शुगर की, जो नकदी तो नहीं है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्टिल अगर हो जाए तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।